तूने कुछ नहीं खाया ना? पापा के बहुत दुश्मन थे क्या? समझ में नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता सूर्या। एसपी सर की मौत और हमारे घर में हुई घटना दोनों सेम डे एंड दैट टुक जस्ट आवर्स अपार्ट। इट्स जस्ट टू स्ट्रेंज टू बी कोइंसिडेंस। इन दोनों घटनाओं का आपस में क्या संबंध है? मैं नहीं जानता, लेकिन उस दिन अंकल ने एसपी का जिक्र किया था। वो एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे। हो सकता है कि गायत्री को इस बारे में कुछ पता हो। कौन चाहिए? गायत्री नहीं है क्या? आप लोग कौन? गायत्री के पहचान वाले सूर्या अजमल आया, उसे बता दो। ओ ठीक है, मैं मेम साहब को बताती हूँ। साहब, गायत्री मेम साहब को उठाया तो वो उठ नहीं रही है। आप जरा देखिए ना, देखिए ना, इधर देखिए, वो उठ ही नहीं रही है साहब। गायत्री, 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 गायत्री। सूर्या, अजमल, शहजाला, उठो, चलो, 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 संभाल कर। ये सब करने से क्या मिला तुम्हें गायत्री? जिंदा रहकर भी क्या करूंगी सूर्या? गायत्री, तुम्हारी तरह मैं भी एक दिन मैं अनाथ हो गया था। पुलिस और मीडिया जिस तरह से कह रही है गायत्री के भाई की मौत टेररिस्ट अटैक में हुई, इसमें तुम विश्वास करती हो? इन दोनों घटनाओं के बीच जरूर कोई संबंध है। और ये मालूम करने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अल्फा रेमेडीज कंपनी का इससे क्या संबंध है? अल्फा रेमेडीज इस कंपनी के, इसी कंपनी के प्रोग्राम के लिए पिताजी गए थे। हाँ। एक्सक्यूज मी सर, आप जैसा कह रहे हैं कि इस स्टेट और बगल वाले स्टेट में बीमारी फैलने की जो वजह है वो है साफ सफाई का इंतजाम ना होना, पर ऐसा नहीं है। एक एनजीओ ने साफ सफाई की जिम्मेदारी ली जो हाउसिंग कॉलोनीज में सफाई का काम करती है, पर ऐसी कॉलोनीज में भी ये बीमारी फैली हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, हैदराबाद में वसंत विहार कॉलोनी, चेन्नई में अडियार कॉलोनी, केरला में me. आपका नाम क्या है? कृष्णमूर्ति। ओह, आप केरल से? हाँ जी, मैं यहाँ हेल्थ इंस्पेक्टर हूँ। ओह गुड, हेल्थ इंस्पेक्टर, तब तो काम आसान हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ये बीमारी सिर्फ खाने और पानी से ही नहीं होती, ये हवा से भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है सर, पर बीमारी बताई हुई जगहों पर सिर्फ पानी से ही ये बीमारी फैली है, ऐसी रिपोर्ट है। सी मिस्टर मूर्ति, ये संभव है कि पानी से पोल्यूशन हुआ हो, पर रिपोर्ट भी तो गलत हो सकती है। आखिर हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है ना भाई। देखिए, मुझे ये स्पीच कंप्लीट करके जाना है, समझ गए आप? प्लीज लेट मी कंटिन्यू।
कमिंग बैक टू द पॉइंट व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट सर, मेरी एक बात। मिस्टर मूर्ति, आप मेरा टाइम। प्योरिटी एंड मिनरल वाटर, फूड प्रोडक्ट्स कंपनीज, अल्फा रेमेडीज, ये सब आप ही के हैं ना? सर, मैं वापस से नाम लूं? सॉरी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। फूड प्रोडक्ट्स और मिनरल वाटर बनाने वाली प्योरिटी कंपनी आप ही की है? नहीं तो ऐसा आपसे किसने कह दिया? नहीं, ऐसी रूमर है। रूमर? सर, ये जगह रूमर डिस्कस करने के लिए नहीं है और उसके लिए वक्त भी नहीं है मेरे पास। लेट मी कंटिन्यू माई स्पीच प्लीज। सो अल्फा रेमेडीज का मालिक कौन है? बट फॉर व्हाट सूर्या, अल्फा रेमेडीज और मूर्ति अंकल के बीच क्या संबंध है? ये काम किसने किया होगा? गायत्री के भाई को किसने मारा होगा? अच्छा सुनो बेटा। हाँ पापा। हम ये इंटरनेट में डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं क्या? आप क्या सोच रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ, वो हम कुछ अगर कोई खास डॉक्यूमेंट्स हैं तो हम उन्हें बैंक के लॉकर में रखते हैं, है ना? तो उसी तरह से इंटरनेट में हम इन्हें रख सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन 25 MB तक रख सकते हैं। मेल में अटैच करके ड्राफ्ट में रख सकते हैं। अल्फा रेमेडीज साउथ इंडिया की बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इस कंपनी ने सिर्फ 5 साल में ही 5,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। लेकिन इस कंपनी ने यह सब कुछ ईमानदारी से नहीं कमाया, बल्कि उल्टे सीधे कामों से कमाया है। अल्फ्रेड मार्कस इस कंपनी का मालिक है। उसके दो बेटे हैं, एडवर्ड मार्कस और एंड्रयू मार्कस। उन दोनों के अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है। उनके बिजनेस को संभालता है उनका जनरल मैनेजर कार्तिकेयन। इस आदमी ने एक साजिश के तहत एक ऐसा वायरस फैलाया जिससे बीमारियां बढ़ी, और फिर उन्हें ठीक करने के लिए कंपनी ने बहुत सारी ऐसी दवाइयां बनाई जिसे मजबूरी में लोगों को खरीदना पड़ा, और इस तरीके से कंपनी का शुद्ध मुनाफा बढ़ा। उनके इस धंधे में राजनीति से जुड़े लोगों ने भी उनका साथ दिया। प्योरिटी के नाम पर मिनरल वाटर और फूड प्रोडक्ट्स में वायरस मिलाकर आम लोगों के बीच उन्हें पहुंचा दिया, जिससे कई तरह की बीमारियां पूरे स्टेट में फैल गई। We'll be right back.
Science Award goes to the Professor of Science, Dr. Wilfred Marcus from Chennai. This is a recognition for Immer's innovative breakthrough in the field of medicine. The latest being the cure of immunity killer virus outbreak in the South India this year. Wilfred Marcus, founder and MD जिसने हमारी फैमिली को मारा उसे अवार्ड दिया जा रहा है। The most prestigious awards in India. इसे छोड़ेंगे नहीं हम। हम क्या कर सकते हैं आजकल? The far beyond our reach. मैडम ये केबल टीवी से आए हैं, टीवी चेक करनी है। बोल रहे थे कि सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा ऑन करके देखिए। अजय वेट,